हर हर शंकर, जय जय शंकर। गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित सप्तेश्वर महादेव मंदिर भारत में भगवान शिव के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं या 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है और सुंदर अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। सप्तेश्वर नाम का कारण यह है कि सप्तेश्वर महादेव, जिन्हें सप्त ऋषियों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, का नाम सात ऋषियों कश्यप, व्रत, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस मंदिर में साधना, आराधना और भक्ति की थी। सप्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ सात देवताओं के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण, जीविका और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। सात देवता ब्रह्मांड के सात कार्यों को करने वाले माने गए हैं। सप्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में आशीर्वाद लेने और पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से शांति, समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सप्तेश्वर महादेव मंदिर अपने धार्मिक महत्व के अलावा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक भी है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण जैसे प्राचीन सनातन ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है कि कई प्रसिद्ध संतों ने इसका दौरा किया था। मंदिर पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली की वास्तुकला में एक ऊंचे शिखर के साथ बनाया गया है, जो जटिल नकाशी और मूर्तियों से सुशोभित है। मंदिर में एक बड़ा प्रांगण है, जो विभिन्न देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। भगवान शिव का मुख्य मंदिर प्रांगण के केंद्र में स्थित है और सुंदर सजावट और जटिल नकाशी से सुशोभित है। यहाँ पानी की सात धाराएं हैं, जो चट्टानों के माध्यम से एक अज्ञात स्रोत से दिन में 24 घंटे साल के 365 दिन लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं। पानी की ये सात धाराएं मंदिर के प्रलेखित इतिहास में कभी भी नहीं रुकी हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। जल धाराओं की उत्पत्ति का स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी खोजा नहीं गया है। मंदिर साल भर में कई त्योहारों और समारोहों का स्थल भी है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है महाशिवरात्रि, जिसे दुनिया भर के भक्तों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान
मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भक्त उपवास करते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। सप्तेश्वर महादेव मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सप्तेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के पास घूमने लायक और भी कई स्थान हैं। शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर फोर्ट, पोलो फॉरेस्ट, हाथी सिंह जैन टेम्पल, पडला हनुमान टेम्पल, अंबिका माता टेम्पल, धरोई डैम, पोशीना और मोढेरा सूर्य मंदिर। साबरकांठा गुजरात में सप्तेश्वर महादेव मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के मौसम के दौरान होता है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट जैसे आसपास के शहरों से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी जा सकती है, जो साबरकांठा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहां से कोई टैक्सी किराए पर ले सकता है या मंदिर के लिए बस ले सकता है। एक अन्य विकल्प साबरकांठा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना है, जो गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से कोई टैक्सी किराए पर ले सकता है या मंदिर तक पहुंचने के लिए बस भी चलती है। यदि आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो साबरकांठा राज्य राजमार्गों द्वारा गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर सप्तेश्वर महादेव मंदिर पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जाना चाहिए। बाबा के ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए हर हर महादेव।